फ्लैगशिप रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स का लॉन्च इवेंट बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है एंड यू नो दिस सीरीज इज़ कमिंग ऑन इंडिया वेरी सून एंड एक्सपेक्टेड है दिस सीरीज इज़ कमिंग ऑन इंडिया अक्टूबर एंड अगर इस फोन के लॉन्च इवेंट में थोड़ा सा भी डिले होता है तो देन कन्फर्म है दिस सीरीज इज़ कमिंग ऑन इंडिया नवंबर फर्स्ट वीक पर कन्फर्म है ये सीरीज़ इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है अभी न्यू रिसेंट अपडेट से कन्फर्म हुआ है एंड यू नो यू गेटिंग एवरीथिंग नाइस एवरीथिंग न्यू एंड एवरीथिंग फ्लैगशिप इन दिस फोन एंड कन्फर्म है ये फ़ोन ना अमेजिंग होने वाला है क्योंकि यार इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं जो इस फ़ोन के अंदर न्यू ऐड किए गए लाइक इस फ़ोन के अंदर न्यू एनएफसी का सपोर्ट मिलेगा जो एक बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर है जो मिलना चाहिए हर 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट वाले स्मार्टफोन के अंदर पर इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है जो एक गुड न्यूज़ है एंड बहुत सारे अच्छे फीचर्स इस फ़ोन के अंदर ऐड किए गए तो अगर आप लोगों को जानना है कि इस फ़ोन के अंदर क्या कन्फर्म स्पेक्स मिलेगा और ये फ़ोन किस प्राइस पॉइंट पे आने वाला है और ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यू नो द मेनी चेंजेस आर हियर इन दिस फोन बट मेरे को एक चेंजेस बहुत अच्छा लगा इस फोन का वो है परफॉर्मेंस इन दिस टाइम ऑल आर गेटिंग न्यू चिपसेट इन दिस फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G 12 5G चिपसेट एंड दिस चिप इज रियली परफॉर्मिंग वेरी गुड एंड कन्फर्म है इस फोन के अंदर 12 5G कनेक्टिविटी हाई क्लॉक स्पीड 2.6 GHz का एंड यू गेटिंग न्यू रैम वेरियंट्स इन दिस टाइम एंड यहाँ पे नो टॉप एंड वेरियंट बेस्ट होने वाला है 12 GB 256 GB एंड इन दिस टाइम यू गेटिंग एंड्रॉयड 12 एंड न्यू एंड्रॉयड वर्जन इस फोन के अंदर मिलने वाला है जो बेस होने आने वाला है MIUI 13 पे डिस्प्ले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं एंड इस फोन का कॉन्सेप्ट न्यू होने वाला है एंड बेस्ट होने वाला है बिकॉज दिस फोन इज कमिंग ऑन अ न्यू डिज़ाइन हियर एंड इस फोन के अंदर HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा विथ 120Hz हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले विथ सुपर एमोलेड पैनल एंड 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज फुल HD+ का रेजोल्यूशन एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो न्यू जनरेशन का होगा बहुत ही फास्ट होने वाला है एंड इस फोन के अंदर सिंगल पंच होल जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर मिलने वाला है प्लस कर्व डिस्प्ले ओवरऑल डिज़ाइन ना बेस्ट होने वाला है इस फोन का एंड डिस्प्ले आल्सो गोइंग टू बी बेस्ट हियर कैमरे के बारे में बात करते हैं एंड इस फोन के सेंसर्स में बहुत सारे न्यू मेनी चेंजेस किए गए एंड कन्फर्म है इन दिस टाइम इस फोन के रियर में न्यू क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा एंड द प्राइमरी सेंसर आल्सो गोइंग टू बी चेंज हियर क्योंकि इस फोन के अंदर न्यू एंड इम्प्रूव कैमरा मिलने वाला है एंड कन्फर्म है सोनी का न्यू सेंसर मिलेगा 108 MP का एंड सेकेंड सेंसर 16 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 8 MP टेलीफोटो लेंस एंड 5 MP डेप्थ सेंसिंग फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं एंड इस फोन के अंदर सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एंड सेंसर मिलने वाला है 44 MP का AI बेस्ड सेल्फी कैमरा प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं एक्सपेक्टेड कन्फर्म प्राइसिंग ऑल्सो गोइंग टू बी रिवील हियर एंड दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ न्यू प्राइस पॉइंट एंड प्राइस पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है बिकॉज दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ मिड सेगमेंट प्राइस पॉइंट एज ए स्टार्टिंग वेरियंट हम लोगों को मिलने वाला है 20,000 rupees तक के प्राइस पॉइंट पे जो एक बेस्ट प्राइसिंग है एंड एज ए स्टार्टिंग वेरियंट 6 GB 128 GB होने वाला है जो एक बेस्ट वेरियंट है एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं एंड कन्फर्म है दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ इंडिया अक्टूबर एंड अगर इस फोन के लॉन्च डेट में डिले होता है तो देन दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ नवंबर फर्स्ट वीक पर बहुत जल्दी ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है एंड कन्फर्म है सबसे पहले ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च होगा देन इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में